कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहले करी थी नवरात्रि की पूजा आरंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के नौ रूपों की 9 दिनों तक करी जाने वाली आराधना का पावन पर्व। नवरात्रों को साल में 2 बार मनाया जाता है। यह पावन पर्व 9 दिनों तक चलता है। हर पूजा की तरह दुर्गा पूजा का भी एक अलग इतिहास है। क्या आप जानते हैं दुर्गा पूजा क्यों की जाती है? सबसे पहले दुर्गा पूजा किसने की थी? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गा पूजा की शुरुआत भगवान राम ने करी थी। जी हाँ, भगवान राम ने। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए माँ दुर्गा का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने को कहा। विधि अनुसार दुर्गा पूजन के लिए और हवन के लिए श्री राम ने 108 दीप और 108 नील कमल की व्यवस्था कर ली। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृतत्व प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की पूजन सामग्री में से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो गई। सभी को श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया और यह भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित ना हो जाएं। तभी श्री राम ने अपने एक नेत्र को तुणीर से निकालकर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहा, क्योंकि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि वह श्री राम की पूजा से प्रसन्न हुई हैं और उन्हें माँ दुर्गा ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरके वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में जाकर एक श्लोक जया देवी भूते हरणी में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। हरणी का अर्थ है भक्तों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ है पीड़ा देने वाली, जिससे माँ दुर्गा नाराज हो गई और रावण को श्राप दिया कि रावण का सर्वनाश हो जाए। तो दोस्तों, यह थी एक पौराणिक कथा जिससे हमें यह पता चलता है कि नवरात्रि की पूजा सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने प्रारंभ करी थी। जय माँ दुर्गा।